HDFC बैंक के फील्ड ऑफिसर शिवम शर्मा की गोली मारकर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सनसनीखेज हत्या का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर एक बाल अपचारी व एक अभियुक्त को मैं आला कत्ल व हत्या में गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक शिवम शर्मा जो कि HDFC बैंक के फील्ड ऑफिसर थे, बैंक से अपने घर ग्राम फतेहपुर थाना बसई मोहम्मदपुर वापस जा रहे थे। रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात बदमाशों द्वारा शिवम शर्मा के साथ लूटपाट में नाकाम हो जाने के फलस्वरूप तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुखबिर की सूचना पर सूफीपुर दरगाह के पास स्थित वाटर प्लांट के सामने से हत्या में शामिल एक बाल अपचारी व अभियुक्त अरुण पुत्र सरजू निवासी गली नंबर 7 रसूलपुर थाना रसूलपुर फिरोजाबाद को हत्या में उपयोग की गई मोटरसाइकिल संख्या UP 83 BC 77 60 तमंचा व खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट SKH न्यूज। 21 तारीख को इसी महीने बसई महमूदपुर थाना क्षेत्र में HDFC बैंक जो कंपनी बाग के पास में है वहाँ से शिवम नामक फील्ड ऑफिसर ऑफिस से निकल के अपने घर के लिए जा रहा था तो फ्लाईओवर पार करने के कुछ देर चलने के बाद उसको अज्ञात लोगों ने उसके ऊपर फायर कर दिया जिससे वो घायल हुआ। हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना के खुलासे के लिए क्योंकि ये घटना बड़ी अजीब टाइप की थी और एक बैंककर्मी का इस तरह के हादसा हुआ था तो इसमें जो यहाँ की सक्षम टीम थी जिसको माना गया कि इन लोगों के द्वारा काफ़ी मदद मिलेगी उस टीम में थाना उत्तर प्रभारी रसूलपुर रामगढ़ मरसेना बसई मोहम्मद के साथ साथ सर्विलांस रसूसी टीम प्रभारी रवि सबको सम्मिलित करते हुए क्षेत्राधिकारी सिटी SPCT साहब सबको सम्मिलित करते हुए टीम का गठन किया गया और इसमें सबसे अच्छी चीज़ रही कि साइंटिफिक एविडेंस की तरफ और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की तरफ बढ़ते हुए काम किया गया जिसमें बहुत सारे कैमरे बहुत सारे फुटेज देखे गए और दिन रात मेहनत करते हुए टीम ने घटना का सफल और सटीक अनावरण किया जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए जिसमें एक बाल अपचारी है दूसरा अभियुक्त अरुण नाम का है। इन लोगों ने बताया कि लूट के इरादे से उसके पीछे लग गए थे और जैसे ही पहुंचा वैसे ही उसको रोकने की कोशिश में जब थोड़ा सा प्रतिरोध जैसी चीज़ हुई तो इन्होंने फायर कर दिया जिससे उसको लग गया और गिरा और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। यह बहुत ही सराहनीय तरीके से किए हुए कार्य का परिणाम है टीम भावना का परिणाम है जिसकी भूर भूर प्रशंसा विभाग के द्वारा की गई है और SSV महोदय के द्वारा इनको उचित पारितोषिक की घोषणा की गई है। इसमें कुल दो आरोपी है जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको अभी बताया बाइट में एक बाल अपचारी है और एक अरुण नाम का अपराधी है। घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई है और असलाह भी बरामद कर लिया गया है।